हनुमानगढ़ से है, जहां दिन प्रतिदिन बढ़ती महंगाई से त्रस्त होकर ग्रामीणों, नौजवान सभा के प्रतिनिधियों और छात्र नेताओं की अगुवाई में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने हनुमानगढ़ कलेक्ट्रेट पर केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि आम आदमी की जरूरत की चीजों में शामिल पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और बिजली के दामों में हो रही बेताशा वृद्धि के विरोध में जिला परिषद सदस्य मनीष मक्का सर व छात्र नेता महेंद्र शर्मा के नेतृत्व में सैकड़ों ग्रामीण और किसान ऊंट गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, साइकिल, मोटरसाइकिल पर सवार होकर जंक्शन के भगत सिंह चौक के जिला कलेक्ट्रेट तक सरकार विरोधी प्रदर्शन करते हुए रैली निकाली। वहीं रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचकर आमजन ने सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन और नारेबाजी की। सभा को संबोधित करते हुए जिला परिषद सदस्य मनीष मक्कासर ने कहा कि पूरे देश में पेट्रोल 100 के पार हो गया और गैस सिलेंडर की कीमतें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जरूरत की चीजों में इस तरह की खुली लूट करने के बावजूद भी केंद्र सरकार को कोई पछतावा नहीं है। केंद्र की मोदी सरकार बैक इन इंडिया के ध्येय से कार्य कर रही है और पिछले 7 सालों में सबसे अधिक महंगाई कर इंडिया को 20 साल पीछे करने में जुटी है। पिछले दिनों में गैस सिलेंडर के दामों में वृद्धि हुई है। छात्र नेता महेंद्र शर्मा ने कहा कि किसान, नौजवान, मजदूर, व्यापारी, महिलाएं महंगाई से त्राहि त्राहि कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश के लोगों ने पीएम मोदी और उनके मंत्रियों को अच्छे दिन के वायदे पर चुना था, अब पीएम मोदी और उनकी सरकार लोगों का विश्वास तोड़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि सरकार और उनके मंत्रियों की अर्थव्यवस्था की कोई समझ नहीं है, महंगाई पहले से ही लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि एक तरफ आर्थिक मंदी के चलते आमदनी घट रही है, वहीं दूसरी ओर महंगाई के चलते खर्चे बढ़ रहे हैं। के अंदर फिर 3 काले कानून को मजबूत करते हुए फिर महंगाई को बढ़ावा दिया, जिसके कारण आज महंगाई देश के हर घर के लिए, हर घर की खुशहाली पर खतरा। आज पेट्रोल के दाम आसमान को छू रहे, आज डीजल के दाम आसमान को छू रहे, आज गैस के दाम आसमान को छू रहे। जो लोग गैस पर खाना बनाते थे वो चूल्हे पर वापस आ गए, जो लोग साधनों पर चलते थे, परिवहन का उपयोग करते थे, वो लोग आज घोड़े गाड़ी।